बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वाले को अस्सलामु अलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे खुश होंगे। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये एक कंपैरिजन वीडियो है इंडिया और सिंगापुर के दरमियान। वैसे तो ये कोई इतना शानदार मौजू नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोनों ममालक में, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब सिंगापुर के वज़ीर आज़म ने अपने ऐवान में खड़े होकर इंडिया की पार्लियामेंट के आधे से ज़्यादा लोगों को क्रिमिनल का है, तो ये मौक़ और ये मौजू ज़रा अहमियत इख्तियार कर जाता है। लोकेशन की बात करें तो इंडिया बहुत बड़ा है, मुल्क है जनूबी एशिया का, जबकि जो सिंगापुर है तो ये भी एशिया में, लेकिन ये जनूब मशरकी एशिया में है, मलाइशिया के बिल्कुल साथ। और मलाइशिया से ये अलग हुआ था, बड़ा मुख्तसर सा रकबा है इसका, बहुत छोटा सा मुल्क है लेकिन बहुत खुशहाल। इंडिपेंडेंस की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ यूके से, यूनाइटेड किंगडम से, जबकि 9 अगस्त 1965 को मलेशिया से सिंगापुर ने आज़ादी हासिल की और आज एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से दुनिया में मौजूद है। इंडिया के साथ इसके तजारती रवाबत बहुत बेहतर हैं और सिंगापुर को इंडिया के दोस्त ममालक में शुमार किया जाता है। नेशनल एथम यानी कि कौमी तराने की बात करें तो इंडिया का कौमी तराना है जाना गाना माना, ठीक, और सिंगापुर का है मजूला सिंगापुरा, जिस तरह हम पाकिस्तान को के मुतल्लिक कहते हैं कि हमारा जो नेशनल एथम है यानी कि इसको हम कहते हैं कौमी तराना। कैपिटल सिटी की बात करें दोनों की तो न्यू दिल्ली दारुल हुकूमत है इंडिया का और सिंगापुर सिटी दारुल हुकूमत है सिंगापुर का। दरअसल सिंगापुर एक शहर ही है जो पूरा मुल्क है और इसका नाम रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है और जो इसका कैपिटल सिटी है उसका नाम सिंगापुर है, यानी कि एक ही चीज़ है। सारा मुल्क भी वो शहर है और वो शहर ही मुल्क है, एक ही है। पॉपुलेशन की बात करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, सिर्फ 58 लाख आबादी है सिंगापुर की, 1 करोड़ भी पूरी नहीं, और ये 114वां बड़ा मुल्क है दुनिया का, जबकि दूसरी तरफ 138 करोड़ भारतीयों के साथ भारत दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से चाइना के बाद। एरिया की बात करें तो सिंगापुर का एरिया तो बहुत कम होगा, 721 किलोमीटर स्क्वेयर सिर्फ, और इंडिया का 3.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वेयर। 721 तो इतना थोड़ा है कि जो इंडिया का सबसे बड़ा शहर है बेंगलोर वो भी इससे बड़ा है, यानी कि इस पूरे मुल्क सिंगापुर से इंडिया का शहर बेंगलोर बड़ा है और बम्बई भी इसके आसपास है, तो वो एक शहर ही है जिसको पूरा मुल्क माना जाता है। बहरहाल वो एक आज़ाद हैसियत से मौजूद है और दुनिया उसकी आज़ाद हैसियत को तस्लीम करती है। लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश और 21 अदर ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती हैं इंडिया में, जबकि इंग्लिश और माले तमिल ये सिंगापुर में बोली जाती हैं। इसके अलावा भी इंडिया में तकरीबन 450 के करीब ज़ुबानें बोली जाती हैं और हर 50 किलोमीटर के बाद ज़ुबान या उसका लहजा तब्दील हो जाता है। भारत में मेजॉरिटी रिलीजन यानी कि मजहबी अक्सरियत की बात करें तो हिंदुइज़्म 80% आबादी के साथ इंडिया का सबसे बड़ा मज़हब है, और बुद्धिज़्म बुद्ध मत जिसे कहा जाता है जो हिंदुइज़्म की ही एक शाख है, वो 33% आबादी के साथ सिंगापुर का सबसे बड़ा मज़हब है। इसके पर मिनोरिटी में मुसलमान दूसरे नंबर पर हैं इंडिया में, जो दुनिया की सबसे बड़ी अकलियत है। करेंसी की बात करें तो इंडियन रुपीज़ इंडिया की करेंसी है और डॉलर के मुकाबले में हमारे पाकिस्तान की निस्बत दुगनी है, बहुत बेहतर है, जबकि दूसरी तरफ सिंगापुर डॉलर ये भी तकरीबन आज के वक्त में पाकिस्तान में 130-132 के राउंड अबाउट है, तो इसलिए आज से दोनों की करेंसियां हमारे पाकिस्तान से तो बहुत बेहतर हैं। मईशत की बेहतरी ही करेंसी की मजबूती का बायस होती है। बहरहाल आगे चलते हैं, लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो 74% तक पढ़े लिखे हैं भारतीय और 98% तक तलीम याफ्ता हैं, शरह ख्वानदगी रखते हैं सिंगापुर वाले, जो कि बहुत ज़बरदस्त बात है। तकरीबन 100 के आसपास ही हो गया 98%, बहुत ज़बरदस्त। GDP की बात करें, GDP नॉमिनल 3.2 ट्रिलियन डॉलर की बड़ी मईशत है इंडिया की, और ये शायद दुनिया की 5वीं या 6ठी बड़ी मईशत होगी, और 391 अरब डॉलर की एक बड़ी मईशत है सिंगापुर की। बड़ी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ आबादी हमने देखी कि सिर्फ 58 लाख है, उस तनाजुर में ये मईशत बहुत बड़ी है, एक जदीद तरीन मुल्क है सिंगापुर। एवरेज इनकम की बात करें तो $139 एवरेज इनकम है हमारे हमसाए मुल्क भारत में, और 4100
यूनाइटेड स्टेट डॉलर एवरेज इनकम है सिंगापुर में, कितना फ़र्क है, तकरीबन 30-35 गुना फ़र्क है। बहुत अमीर मुल्क है सिंगापुर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि ज़िंदगी की मुतवक्का हद की बात करें तो 69 बरस तक ज़िंदगी पाते हैं इंडिया वाले और 83 साल तक जीते हैं सिंगापुर वाले। जापान, चाइना, कोरिया की तरह इनकी उम्र भी अच्छी खासी है, देखने में भी ये वैसे ही लगते हैं, ये एक ही नस्ल लगती है इस पूरे खित्ते की। नेशनल एनिमल की बात करें तो टाइगर है नेशनल एनिमल इंडिया का और लायन है सिंगापुर का, दोनों दरिंदे हैं और दोनों बहुत ख़तरनाक जानवर हैं, लेकिन जंगल का बादशाह तो अभी तक शेर को ही माना जाता है। लेकिन टाइगर भी अपनी जगह ठीक है, खूनखार दरिंदे हैं। फेमस लैंडमार्क की बात करें दोनों ममालक की तो ताजमहल आगरा में शाहजहां के हाथों तामीर करदा मुमताज़ बेगम की याद में इसने तामीर करवाया था, और दूसरी तरफ मिलोरियन पार्क, ये सिंगापुर का मशहूर तरीन मकाम है। ये शेर मुंह से पानी निकाले जा रहे हैं मुसलसल। मिलिट्री की बात करें तो मिलिट्री तो भारत की बहुत आगे होगी, क्योंकि जिस तरह आबादी में और रकबे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडियन आर्म्ड फोर्स कहते हैं इंडिया की फ़ौज को, और सिंगापुर आर्म्ड फोर्सेस कहते हैं सिंगापुर की फ़ौज को। चौथे नंबर पर मजबूत फ़ौज है इंडिया की और 51वें नंबर पर सिंगापुर की फ़ौज मजबूत तरीन मानी जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त कंपैरिजन था, हालांकि दोनों का कंपैरिजन बनता भी नहीं है, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से, मईशत के लिहाज से, जबकि दूसरी तरफ सिंगापुर तो इंडिया के एक शहर से भी छोटा है, लेकिन उसके बावजूद वो दुनिया में आज़ाद हैसियत के साथ तस्लीम किया जाता है। और सिंगापुर इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो बाहमी खुशगवार हैं, दोनों के दरमियान ताल्लुक तजारत का हुजम भी अच्छा खासा है, और इंडिया के दो ममालिक की फहरिस्त में सिंगापुर को शामिल होने का एजाज़ हासिल है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इंडिया सिंगापुर ताल्लुकात में तनाव की एक कैफियत ज़रूर पैदा हो गई है, वो ऐसे कि सिंगापुर के जो वज़ीर आज़म हैं ली, उन्होंने एक अजलास के दौरान, वो शायद पार्लियामेंट में था या कोई सरकारी सतह का अजलास था, उस दौरान उन्होंने इंडिया की पार्लियामेंट को मुखातिब किया या इंडिया की पार्लियामेंट का तस्करा किया, लेकिन बहुत ही गलत अल्फाज में। उनका कहना था कि ये वही इंडिया है जो नेहरू जैसे अजीम इंसान ने बनाया था, लेकिन आज इंडिया की पार्लियामेंट में आधे से ज़्यादा जो मेंबराने असम्बली हैं, लोकसभा में आधे से ज़्यादा मेंबराने जो असम्बली हैं वो क्रिमिनल हैं, यानी कि या तो उन पर कत्ल के इल्ज़ाम है या उन पर रेप जैसे घिनौने इल्ज़ाम हैं। वज़ीर आज़म ली के इन इल्ज़ाम के बाद वैसे तो इंडिया भर में हंगामा फूट गया, सरकारी सतह पर भी इस बात का एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। सिंगापुर के वज़ीर आज़म के इस ऐलान के बाद कांग्रेस के एक रहनुमा का कहना था कि हम नेहरू जी की जो जमहूरियत के लिए खिदमात हैं उसे सिंगापुर वाले तस्लीम करते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कि हमारे अपने वज़ीर आज़म यानी नरेंद्र मोदी जी पार्लियामान के अंदर जमहूरी तकाज़ों की तोहीन करते हैं। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस के कई रहनुमाओं का कहना था कि अगर दुनिया की तरफ से हमें कहा जा रहा है कि हमें अपनी जमहूरियत के अंदर झांकने की ज़रूरत है तो ये हमें आईना दिखाया जा रहा है, तो हमें इस पर गौर करना चाहिए। लेकिन इंडिया की मौजूदा हुक्मरान जमात बीजेपी के लिए इस बात को हज़म करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि आखिर मलाशिया के वज़ीर आज़म ने हमारी आधी से ज़्यादा पार्लियामान को क्यों कत्ल और रेप जैसे घिनौने जुराइम में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम दिया है। यही वजह कि सिंगापुर के वज़ीर आज़म ली के इस बयान के बाद बहुत सख्त रवैये से सरकारी सतह पर इंडिया की हुकूमत ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। इंडिया की हुकूमत को ये ज़्यादा मुज़ाहमत इसलिए भी दिखाना पड़ रही है क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की सबसे बड़ी रियासत है यूपी, उत्तर प्रदेश, उसमें इलेक्शन मुहिम ज़ोरों शोरों से जारी है। आज के दिन तक वहाँ पर बीजेपी अक्सरियत में है और आइंदा भी फ़िलहाल हमें यही आसार लग रहे हैं कि उसी के इक्तदार में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो जिस तरह अपने एक मखसूस नज़रिए के साथ आगे बढ़ रही है और एक तासुब ज़्यादा हिंदुस्तान को परवान चढ़ा रही है, तो यकीनन वो वोट बैंक अपना अच्छा खासा बनाए रखे हुए है। इससे पहले बीजेपी के अक्सर अरकान का क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस होने का जो इल्ज़ाम है वो इंडिया की अंदरूनी सियासत की तरफ से सामने आता था, यानी कि दीगर सियासी जमातों की तरफ से सामने आता था, लेकिन ये पहला मौका है कि जब सिंगापुर जैसे मुल्क ने जो इंडिया के साथ दोस्ताना रवाबत रखता है उसके वज़ीर आज़म ने इतने बड़े लेवल के जो आदमी हैं उसने इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसके आधे से ज़्यादा मेंबरान को, जो कि यकीनन तौर पर बीजेपी के ही तरफ उनका इशारा था, उनको क्रिमिनल का है, कत्ल के केस का मुजरम मुलज़म का है और रेप जैसे घिनौने केसों का उनको मुलज़म ठहराया है। इंडिया के पिछले चंद दिनों के खारजा अमूर देखे जाएं तो अरब खित्ते के लिहाज से इंडिया को कामयाब सफारती कामयाबियाँ हासिल हुई हैं,
लेकिन दूसरी तरफ रशिया और सिंगापुर की तरफ से इसे किसी न किसी मुजामत का सामना करना पड़ा है। रशिया की तरफ से इसलिए कि जो रशिया का अपना एक मीडिया चैनल है रेड फिश नाम से, उसने पिछले दिनों कश्मीर पर एक डॉक्यूमेंट्री जारी की थी, एक क्लिप भी जारी किया था एक 1.5 मिनट का, पूरी फिल्म तो अभी जारी नहीं हुई, फिलहाल वो रोक भी ली गई है। खैर वो उसमें उसने दिखाया था कि कश्मीर फ़लस्तीन है और भारत इसराइल है, यानी कि जिस तरह दुनिया इसराइल के कब्ज़े को गैर कानूनी मानती है और फ़लस्तीनियों को मज़लूम मानती है, इसी तरह रूस के जो मीडिया, उसने ये दिखाने की कोशिश की थी कि दुनिया जो है वो कश्मीर को फ़लस्तीन की तरह मज़लूम मानती है और भारत को इसराइल की तरह काबज़ रियासत मानती है कश्मीर के खित्ते में। 10 फरवरी से 10 मार्च के दरमियान जो यूपी में इलेक्शन है, ये बड़े फैसला कौन है, अगर एक बार फिर बीजेपी यूपी में अक्सरियत के साथ आ जाती है और आरएसएस के नज़रिए को फ़रोग देती है तो 2024 में एक बार फिर बीजेपी के जीतने का इम्कान बढ़ जाएंगे। लेकिन ये आने वाला वक्त फैसला करेगा कि यूपी के लोग अब इत्तेदाल पसंद सियासी रहनुमा चाहते हैं या उन्हें फिर से आरएसएस जैसे सख्त नज़रियात रखने वाले सियासतदान मिलेंगे। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।